हाई गाइज, वेलकम टू माई क्विकी किचन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग, पॉपुलर, टेस्टी, फ्लेवरफुल मुंबई स्पेशल इंडियन स्ट्रीट फूड शेयर करने जा रही हूँ, पाव भाजी। हाँ जी गाइज, पाव भाजी यूजुअली सबकी फेवरेट होती है, बहुत ही ईजी है बनानी, ज़्यादा कुछ इसमें बेसिकली वेजिटेबल्स का मैश है और बंस के साथ हम इसको खाते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एग्जैक्ट क्वान्टिटीज़ हमारे इन्ग्रीडियंट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 3 मीडियम साइज आलू, जो हमें बॉईल करने हैं और मैश करने हैं एक सेपरेट बोल में। नेक्स्ट हमें चाहिए सॉफ्ट पाव बंस, एंड ये आपको किसी भी स्टोर में इजीली अवेलेबल मिल हो जाएगा। नेक्स्ट आधा कप बॉइल्ड मटर, 3 से 4 लहसुन की कलियां जो कि क्रश्ड है, सॉल्ट टू टेस्ट, फ्रेश धनिया यहाँ पे है आधा कप, बटर हमें चाहिए 4 से 5 टेबल स्पून, कश्मीरी देगी मिर्च, पाव भाजी मसाला, आधी कैप्सिकम जो हमने बहुत ही बारीक काटी हुई है, 1 हरी मिर्च बहुत ही बारीक काटी हुई है, 1 बड़ा प्याज, 2 टमाटर और यहाँ पे हमारे पास है कस्तूरी मेथी। तो सबसे पहले हम अपना एक पैन गरम करेंगे और उसमें जाएंगी हमारी शिमला मिर्च और हरी मिर्च, और इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है लो मीडियम फ्लेम पे लगभग 1-1.5 मिनट तक। गाइस, आपको यहाँ पे कोई बटर कोई ऑयल ऐड नहीं करना। सो अब 1-1.5 मिनट के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड मटर, और इन्हें भी हमें कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहना है कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद जाएंगे हमारे चॉप टमेटोज, अगेन आपको कुक करना है 1-1.5 मिनट के लिए, और फिर जाएंगे हमारे बॉइल्ड और मैश्ड पटेटोज। तो जो आलू हमने बॉइल्ड और मैश करके रखा था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और कॉन्टिन्यूसली कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5 मिनट्स। अब बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक, ऑब्वियसली टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे आधे चम्मच से ज़्यादा ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून बड़ा चम्मच अच्छे से बटर। गाइस, बटर के बिना पाव भाजी कुछ नहीं है। कश्मीरी देगी मिर्च ऐड करनी है हमें इसमें, और 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और कुक करना है लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। से 4 मिनट के बाद हमारा मिक्सचर कुछ ऐसा दिख रहा है, और अब हम अपने पोटैटो मैशर की हेल्प से फिर से इस मिक्सचर को मैश करेंगे ऑलमोस्ट 2-2.5 मिनट्स के लिए। गाइस, इससे बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आएगा आपके पाव भाजी का, तो आप इसे प्लीज बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है और इसे हम एक सेपरेट बोल में निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम काम करेंगे तड़का पे। सो तड़का के लिए एक पैन लोगे आप, उसमें 2 बड़े चम्मच बटर और 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम करेंगे। एक बार आपका बटर गरम हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे हमारा सारा लहसुन और प्याज, और इसे हम कॉन्टिन्यूसली स्टर करेंगे और कुक करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 1.5-2 मिनट्स के लिए। हमारे प्याज अच्छे से कुक हो गए हैं, और अब जाएगा इसमें फ्रेश धनिया, इसे अच्छे से मिलाएंगे कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला और कस्तूरी मेथी आपको यहाँ पे ऐड करनी है, अच्छे से मिक्स करना है। अब बारी आती है नमक ऐड करने की। सो यहाँ पे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, मैंने आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। कश्मीरी देगी मिर्च आपको ऐड करनी है, मैंने आधे चम्मच से थोड़ा कम ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें आता है हमारा सारा आलू का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था। गाइस, इसे आप अच्छे से मिक्स करेंगे, कुक करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे। और अब फिर से हम यूज़ करेंगे हमारा पोटैटो मैशर, और पोटैटो मैशर की हेल्प से हमें वापस से मैश करना है पूरा मिक्सचर 2-3 मिनट के लिए। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बिकॉज जितना मैश करोगे उतनी आपकी पाव भाजी टेस्टी निकल कर आएगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, पानी हमें ऐड करना है 2-2.5 कप तक, बट हमें एक बार में नहीं करना, धीरे धीरे करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने फिर से थोड़ा पानी ऐड किया और इसे कुक किया
अगेन 1 से 2 मिनट के लिए फिर से हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप वहाँ तक इसको ऐड कर सकते हो। कुछ लोगों को थोड़ी थिकर ग्रेवी पसंद है, कुछ को बहुत ही पतली पाव भाजी पसंद है, तो आप जैसा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली पानी का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जाएगा हमारा बटर, तो आपका 2 बड़े चम्मच बटर आप यहाँ पे ऐड करेंगे और ये हो गई आपकी भाजी तैयार बिल्कुल। अब हम तैयार करते हैं हमारे बंस। तो एक हम तवा लेंगे, उसे गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा बटर और पाव भाजी मसाला और अब इसके ऊपर जाएंगे हमारे पाव भाजी के बंस। थोड़ा इसको हीट करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पर आपको ये काम करना है। दूसरी तरफ भी बटर लगा के पलट देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और ये हो गए हमारे पाव भाजी बंस तैयार बिल्कुल। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में हमारी पाव भाजी बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी है जो कि ऑलमोस्ट सबको पसंद है। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, डिनर में भी, लंच में भी, बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। आई एम श्योर गाइज आप बहुत ही एक्साइटेड हैं इसे ट्राई करने के लिए। जल्दी से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना है आपको कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। एंड आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया। स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।